पागल रिपोर्टर है, गाड़ फाड़ रिपोर्ट देते हैं। एक बार आपको समझा दिया ना कि नहीं बोलने, हम नहीं बात करते हैं, निकलिए यहाँ से। अरे साला रे चुतिया समझता हमको रे, देख रहा है मारेंगे गाड़ पे गोली ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है छोटा मोटा ले लू, पेंट शर्ट पहने हुए हैं तो समझते हैं कि हम ये रखते हैं खाली। हम गंजी पहने हुए थे, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है क्या? लुंगी वाला का वैल्यू है, लुंगी वाला निकाली का काली काले का रे, देखिएगा अभी। अरे भोसड़ी रे राजा भरता, तो हेलो दोस्तों, कम ऑन दोस्तों, आइए यार हमारे सब्सक्राइब का जो है ना पकड़ कर रगड़ दीजिए, घसीट दीजिए और गाड़ फाड़ दीजिए सब्सक्राइब कर, बेल आइकन का तो बोलिए माता पे थूक लगा उड़ा दीजिए। और हम लोग आए हैं गांव की तरफ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, गाड़ फाड़ रिपोर्ट आपको कंटिन्यू देंगे क्योंकि बीच बीच में हम गैपिंग हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है, बारिश आ जाती है जिसकी वजह से समस्या आ जाता है। अभी आपको गाड़ फाड़ रिपोर्टिंग दिखाएंगे, आप पूरा रिपोर्टिंग देखिएगा, अगर आप सब्सक्राइब कीजिए। और पूरे भारत में अभी सबसे तेज रफ्तार से गाड़ फाड़ रिपोर्टिंग देने वाला लुच्चा गोलू है। तो मिलते हैं आपको वीडियो के एंड लेंगे। अभी आप चले गाँव की तरफ जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं। क्या नाम है बेटा? इधर घूम जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद अली। अली, मोहम्मद अली, क्या करते हो? कितने बकरी चला रहे थे? अभी बकरी चला रहे थे। चलिए, तो बड़े होकर क्या करना है? नौकरी लेना। नौकरी लेना है? हाँ। किस चीज में नौकरी लेना है? कमांडो में। कमांडो बनना है? क्या बात है, इंडियन आर्मी बनना है? जी। चलिए इंडियन आर्मी बनना है, बहुत अच्छी बात है। कितने क्लास में पढ़ते हो? तीन क्लास। तीन क्लास में? तो शादी करने का विचार है या नहीं है? है। कैसे, दहेज लेना है या सुंदर लड़की लेना है? दहेज लेना है। हाँ। जैसा लड़की मिले वैसा, यानी जैसा भी लड़की मिल जाए लेकिन दहेज लेना है। जी। क्या दहेज में लेना है? एगो अपाची, एगो उसका साथ में मिलता पेट्रोल पंप। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, बाप रे बाप, एगो अपाची और साथ में पेट्रोल पंप, ऐसा क्यों? पेट्रोल पंप क्यों चाह रहे हो? ससुराल बार बार बुलाएगा, उसका बाप भरेगा पेट्रोल। क्या बात है, मिलिए मिलिए इनसे, बताइए ये भविष्य में क्या करेंगे, बताइए। सरकार बोल रही है दहेज लेना मना है और ये बंदा बोल रहा है कि हम लाल अपाची और पूरा पेट्रोल पंप चाहिए, लड़की चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा ही है? जी। तो बेटा पढ़ो, नौकरी लेगा तब ना है? तो जैसा कि आप देख रहे थे, एक छोटा सा बच्चा, बकरी चराने वाला बच्चा का सोच देखिए, बोल रहा हम दहेज लेंगे और अपाची गाड़ी लाल कलर का, साथ में पेट्रोल पंप चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पेट्रोल 15 रुपए लीटर कर दीजिए, नहीं तो ये बच्चा 5 साल आने के बाद जो है ना, ये पेट्रोल पंप तो छोड़िए, पूरा बिहार का पेट्रोल पंप अपने नाम पे कराएगा, तब जाकर शादी करेगा। चले नेक्स्ट बंदे से मिलते हैं, उनका क्या? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर लवरिया पेशेंट मिलेगा तो आप लोग को दिखाएंगे, चलते हैं। लवरिया पेशेंट सामने दिख रहा है, रेड कलर में बैठा हुआ है। चलिए उनसे पूछते हैं क्या फिर उसका क्या राज है। लवरिया पेशेंट अभी छोटा छोटा बच्चा है, आइए। क्या नाम है? एमडी दूल। एमडी दूल। हाँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? छोड़ी से बात कर रहे थे। थोड़ी सी बात कर रहे थे। हाँ। गर्व से बोल रहे हैं, ऐसे ये बोल ऐसे रहा जैसे लगता है कि ये चांद को तार से तोड़ के नीचे जमीन पे ला रहा है। तो कहाँ का छोड़ी से बात कर रहे हैं? छोड़िए ना, कहाँ से बात कर रहे हैं ना, छोड़ी कहीं का रहे हैं। तुम्हारा उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 18 चल रहा है। 18 चल रहा है, अभी जवान हुआ ना पूर्ण रूप से, अभी से लड़की चाहिए, राइट? कितना कमाते हो? कमाते हैं तो कुछ नहीं है। पैसा कहाँ से लाते हो? बाप का जेब से चुराते हैं। बाप का जेब से चुराते हो, किसको देते हो? गर्लफ्रेंड को। गर्लफ्रेंड? गौर से देखिए, इन्हीं चूतियों के वजह से आज हमारे गांव के 90% लौंडा जो है नस काटते हैं, हाथ का कहाँ कहाँ का नस काटते हैं। कारण सिर्फ कुछ नहीं है, इनको बोलिएगा मजदूरी करने चाहिए, बेलदारी करने चाहिए, जाने वाला नहीं है क्योंकि इसका इमेज गिर जाएगा मार्केट में, गर्लफ्रेंड देख लेगा तो इसको रिजेक्ट कर देगा, राइट? तो तुमको क्या लगता है, उससे शादी करोगे जिससे प्यार करते हो? शादी करेंगे, अभी फिलहाल नहीं सोचे हैं लेकिन शादी करेंगे। तुमको क्या लगता है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा कि किसी और के साथ फरार होगा? हमको ऐसा नहीं लगता है, उसका अंदर का बात तो हम नहीं जानते हैं।
बताइए, ये लौंडा इतना प्यार करता है कि उसका अंदर का बात जानता है, जो कि कहा गया है कि इंसान के पास मात्र अकल जो होता है 6 किस्म का होता है, इनकी गर्लफ्रेंड के पास 34 किस्म का अकल है। समझाइए जरा, मिलिए इन लोगों से, इन्हीं लोग के वजह से भाग, यहाँ से भाग भाग, इन्हीं लोग के वजह से आज हमारा भारत जो है बदनाम हो रहा है, गाँव समाज से बर्बाद हो रहा है। निकल, जल्दी निकल, लवरिया बनता है, बताओ तो, झाड़ भर का लौंडा न है, लवरिया बनता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी हम लोग गांव की तरफ आए हैं और पूरा गांव का जो है ना ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको गांड़ फाड़ के दे रहे हैं, ठीक है। और इसी बीच में सामने देखे एक इंसान बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है उनसे पूछते हैं उनके बारे में कि लवरिया के बारे में आपका क्या फीडबैक है। जो आज भर का जो झाड़ भर लौंडा है, वो जो इश्क मोहब्बत करता नस काटता है, इसके बारे में उनका क्या फीडबैक है, राय है, आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुनील। सुनील नाम? हाँ। बड़ा देसी बीजान में बैठे हुए हैं, क्या करेंगे यहाँ बैठे हुए हैं ठंडा में। तो जैसा कि अभी गांव में जो माहौल चल रहा है कि झाड़ भर का लौंडा सब जो है, छोटा छोटा लौंडा सब जो है, वो इश्क करता है, मोहब्बत करता है, नस काटता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सहारा खातिर ऐसा लालचू पंजू और आदमी से, रिपोर्टर से हम बात ना करे ले। बाप रे बाप, ये तो जबरदस्त देसी भोजपुरी मारता है भाई। आप हम लोग से आप हमको क्या लल्लू पत्तू रिपोर्टर समझते हैं? तहरा ऐसा बड़ा बड़ा से हम बातें नहीं करो, तहरा से तो हक कौन सी बात, वैसे आदमी से बात ना करें। बाप रे, तो जबरदस्त बेइज्जती हो रहा है, जिस प्रकार ये हमारे बेइज्जती कर रहा है, ऐसा लगता है ये हमको छोटा मोटा लल्लू पत्तू रिपोर्टर समझता है। इनको पता ही नहीं मेरा नाम लुच्चा गोलू है, ठीक है, हम गाड़ फाड़ रिपोर्ट देते हैं। आपको पता ना है मेरे बारे में कि हम लुच्चा गोलू रिपोर्टर हैं और गाड़ फाड़ रिपोर्ट देते हैं। एक बार आपको समझा दिया ना कि नहीं बोल रहे, हम नहीं बात करते हैं, निकलिए यहाँ से। अरे साला रे, चुतिया समझता हमको रे, देख रहा है, मारेंगे गाड़ पे गोली ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा ले लू, पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो समझते हैं कि हम ये रखते हैं खाली। हम गंजी पहने हुए तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है क्या? लुंगी वाला का चलो रे, लुंगी वाला निकाली का निकालेगा रे, देखिएगा अभी। अरे भोसड़ी रे, जबरदस्त।